यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। भाइयों और बहनों, आपके पास जो ये विस्तृत समुद्री किनारा है, इसमें टूरिज्म आधारित रोजगार की अपार संभावना है। यहां तीर्थाटन से लेकर क्रूज टूरिज्म की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आपके पास दीघा बीच जैसी एक अनमोल प्राकृतिक विरासत है, बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र सरकार अलग अलग सर्किट के माध्यम से देश में टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। अब डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और इसका लाभ मेदिनीपुर को भी होने वाला है, यहां के हर परिवार को होने वाला है, हर मछुआरे को होने वाला है, हर किसान को होने वाला है, हर माता बहन को होने वाला है, हर नौजवान को होने वाला है। भाई और बहनों, जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरा गोतो की बात कर रही है। बहरी गोतो, आई भूमि बंकिम बाबूर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि, आमरा सबाई यही भारत भूमिर संतान, यही भूमि ते कोनो भारतवासी बहिरागत नय। बोलुन बोलुन भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दीदी, ओ दीदी, एखाने कोनो भारतवासी बहिरागत नय, सब भारत माता संतान। साथियों, जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया, और इसी धरती से गुरुदेव ने कहा, और जो हम रोज कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। उस बंगाल में गुरुदेव की धरती से, उस बंगाल में दीदी बहिरागतों की बात कर रही हो, टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को, ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी, यही बंगाल की भूमि के संतान।
ममता दीदी की जिम्मेवारी थी वो आकर के 10 साल के काम का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे, ये चुनाव में उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। अरे जरा अपने पड़ोस में देखिए, असम में भी चुनाव चल रहा है, असम में एनडीए की सरकार है, इन 5 वर्षों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। पहले असम से लगातार हिंसा की खबरें आती थी, तनाव की खबरें आती थी, इन 5 वर्षों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, जबकि दीदी के राज में यहां हिंसा, बम, बंदूक, उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं।